आपके यूनिवर्सिटी में 2014 में एक सम्स दिया हुआ है, लिखा हुआ है ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप जानते ही हैं, पहला सीढ़ी दूसरा सीढ़ी, धीरे धीरे हम आपको इस तरह से सिखाते हैं कि आप अगर शुरू से एक एक क्लास को कर रहे हैं या फिर एक एक वीडियो को अगर मेरा फॉलो कर रहे हैं तो आप मंजिल तक आराम से पहुंच जाएंगे ठीक है। आइए यहां पर देखते हैं NP5, अलग अलग तोड़ के करो ना, डर लग रहा है किस लिए? रेशियो देखकर। अरे रेशियो तो पूरा आप एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम NP5 को कैसे लिख सकते हैं बोलिए? जब हम NP1 लिख सकते हैं, NP2 लिख सकते हैं, NP3 लिख सकते हैं, तो NP5 नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? N एक हो गया, N-1, N-2, N-3, N-4, 1, 2, 3, 4, 5, जहां यहां रहता है उससे एक कम होता है। NP3 नहीं लिख सकते, जरूर हो गया कि नहीं हुआ? अलग से लिख दिए, अब आपका डर खत्म। क्या करोगे? इसको ऊपर डिवाइडेड बाय, यानी हम इसको लिख सकते हैं NP5 डिवाइडेड बाय NP3 इज इक्वल टू 2:5, लिख सकते हैं ना? तो अब देखो NP5 को ऊपर में लिखेंगे N-1, N-2, N-3, N-4। यहां से क्या कैंसिल हो जा रहा है? N-1, N-2, यानी ये सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, तो क्या बच गया? N-3 और दो तरह से आप कर सकते हैं। यहां के बाद आपके दो तरह के रास्ते खुल गए। ये हम आपको बता रहे हैं, आप कॉम्बिनेशन में भी 2 को 9 को 15 को 16 को ब्रेक कर रहे थे। 2 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 1 उल्टा जाएगा ना, इसमें कॉम्बिनेशन परमुटेशन। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए, हम बोल सकते हैं N-3 = 2, इसलिए N = क्या हो गया? 4 = 1, इसलिए क्या हो गया बोलिए? 1+, तो अपना आंसर क्या होगा? 5। आप बोलेंगे नहीं सर, हम तो इस तरह से नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा अच्छा है। काफी कॉमर्स के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम साइंस ही लेना चाहते थे, बट मेरे को CA बनना था और उसके चक्कर में हम क्या ले लिए? कॉमर्स। काफी लोग ऐसा बोलते हैं, तो देखेंगे आप साइंस लेकर भी कर सकते थे CA। अफसोस कहीं पर नहीं करना चाहिए, इंसान अगर कुछ भी चाहेगा तो कर सकता है, जुनून चाहिए। अगर आप में जुनून है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो यहां पर आप इसको कैसे कर सकते थे, N-3 N-4 हम इस तरह से नहीं करेंगे। आप इस तरह से करना नहीं करना चाहते हैं, इसको सबसे पहले N-3 और N-4 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा बोलिए? पहले N से कीजिए तो ये क्या आ जाएगा बोलिए? N²-7N, एक साथ लिख दे रहे हैं, करेंगे। अभी देखो हम इसको बोल सकते हैं 7N को हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा बोलिए? -5N - 2N। N-5
देखो यहां ध्यान से, यहां हम लोगों ने क्या किया, यहां तक पहुंच गए, यहां n माइनस थ्री और n माइनस फोर को इंटू किए तो आ गया n स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू टू, टू उधर से इधर आ गया तो टेन हो गया। अब यहां टेन है इसलिए सेन n को हम लोगों ने इस तरह से तोड़ दिया, फाइव एन माइनस टू एन, यहां से n कॉमन ले लिए तो n माइनस फाइव, यहां से माइनस टू कॉमन आ गया तो देख रहे हैं माइनस टू एन माइनस प्लस टेन। अब यहां से हो गया n माइनस टू एन माइनस फाइव, अब क्या हुआ बोलिए, n माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इसलिए n इज इक्वल टू एक आ गया टू, और एक हो गया n माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, टू आ गया और फाइव आ गया दोनों। अब आप बिठा के देखो, बिठा के देखेंगे हमको यहां टू लाना है तो टू बिठाएंगे तो नहीं होगा, माइनस में आ जा रहा है, फाइव में बिठाएंगे, फाइव में से थ्री किया तो टू और वन, तो मेरा आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके पास दोनों रास्ते मैंने दिखा दिए, हम चूंकि आपको कॉमर्स पढ़ा रहे हैं तो मैं ये रास्ते पर जाना पसंद करूंगा, ये रास्ते भी आपके लिए खुले हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम इसलिए दोनों बता दिए कि काफी लोग बोलेंगे सर ये तो मेरे को उतना नहीं समझ में आया, अरे इतना नहीं समझ में आया, इसके पहले भी आपने क्या किया था, एनपी टू एनपी थ्री का वैल्यू निकालते थे, एनपी टू क्यों, एनसी टू एनसी थ्री का वैल्यू आप निकालते थे, वहां पर आप कैसे कर रहे थे, ब्रेक करके ही तो कर रहे थे। चलो जल्दी से करो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, जरा ध्यान से देखना, फिर उसके ऊपर ईयर में सम्स आए वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो अभी सम्स हम लोग किए थे ऑलमोस्ट वैसा ही है, एनपी फोर डायरेक्ट सॉल्व शुरू कर दे रहे हैं, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, ट्वेल्व रहने दो। यहां ध्यान से देखिए, क्या बच गया, यानी वही एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री बढ़ता जा रहा है ना ये माइनस, तो हम अभी 12 को ब्रेक करेंगे, यानी हम n माइनस टू एन माइनस थ्री को हम लिख सकते हैं। अब जरा यहां ध्यान से देखिए आप, n माइनस टू इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां भी आप करके देख सकते हैं। अब आप इस सिक्स को यहां बिठाइए, सिक्स में से टू गया फोर और सिक्स में से थ्री गया तो थ्री, फोर इंटू थ्री, अदरवाइज ये दोनों को इंटू करो और फिर आप फैक्टराइज करके एन का दो वैल्यू लेकर आना, एन का जो भी दो वैल्यू आएगा उसमें कौन सूट कर रहा है बिठा के देखो, एक बात हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, आसान था। इस को बेस लेके, इस तरह से भी बेस लेके आपके यूनिवर्सिटी में सम्स आएंगे, सॉल्व करना पड़ेगा पहले फिर एबीसीडी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग एक सम्स को देखते हैं, पहले एक सवाल ऐसा करा दें फिर मैं अभी आपको दिखाएंगे जो हम आपको एक अभी एग्जांपल दिए थे उसके ऊपर। देखो जब हम कॉम्बिनेशन आपको बताए थे तब हम बताए थे आपको कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का रिलेशन क्या है, एक बार आप देखिए, दोनों का रिलेशन मैंने लिखवाया था आपको, क्या यही है ना,
चलो देखो ये जो सम्स आया है ये रिलेशन के ऊपर आया है, एनपीआर एनपीआर देखेंगे, एनसीआर यानी ये जो बच गया सिक्स ये किसको डिनोट कर रहा है, आर फैक्टोरियल को कर रहा है कि नहीं। जब हम कंपेयर करेंगे ये जो सम्स हमारा दिया हुआ है एंड ये जो मेरा फॉर्मूला है रिलेशन जो है उसको अगर करेंगे तो ये एनपीआर को डिनोट कर रहा है एनसीआर को, तो सिक्स किसको डिनोट कर रहा है, तो आर नहीं निकल जाएगा, निकलेगा ना। आप बोल सकते हैं इसको आर फैक्टोरियल किसको डिनोट कर रहा है, बट यहां पर तो ये आर का वैल्यू नहीं हो सकता है, पहले सिक्स को तोड़ना पड़ेगा। सिक्स को कैसे तोड़ेंगे आप, थ्री इंटू टू इंटू वन तोड़ेंगे कि नहीं, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री का फैक्टोरियल। ये नहीं कि आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे अरे आर का वैल्यू आ गया, आप ऐसे नहीं बोल देना कि अरे आर मांग रहा है ना तो आर का तो वैल्यू आ गया, ये तो सिक्स आ गया, वो आर का वैल्यू नहीं आया, आर फैक्टोरियल का वैल्यू आया, ठीक है ना। जैसे अगर हम बोलेंगे आपको किसी भी चीज का फैक्टोरियल करने के लिए तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि फैक्टोरियल कैसे होता है, जैसे अगर हम फैक्टोरियल थ्री बोलेंगे तो थ्री का वैल्यू क्या होगा, थ्री इंटू टू इंटू वन सिक्स, यानी फैक्टोरियल थ्री इज इक्वल टू सिक्स। अब जो है सो यहां से फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और आर का वैल्यू कितना आ गया, फिर क्या है, कुछ भी नहीं। नाउ एनसीआर इज इक्वल टू एन, तो एन ही रहेगा और आर के जगह क्या बिठा सकते हैं, अब एनसी थ्री कॉम्बिनेशन में निकाले थे कि नहीं निकाले थे आप, अभी निकल जाएगा, निकालो एन एन माइनस वन एन माइनस टू, थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स, एन एन माइनस वन एन माइनस टू फिफ्टी सिक्स इंटू सिक्स कितना होगा, 56 इंटू सिक्स 336। अब ये 336 को ऐसा करेंगे कि n n माइनस वन एन माइनस टू के फॉर्म में आ जाए, तो सबसे पहले 2 से करेंगे, और नहीं जाएगा, तो देखो इस तरह से बिठाएंगे कि जो आएगा उससे एक कम हो फिर उससे एक कम हो। सेवन तो अपने आप तो दिख ही रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये हम ले लेते हैं तो टू इंटू टू इंटू टू एट हो गया, सेवन यहां दिख ही रहा है और सिक्स दिख रहा है, यानी हम लिखेंगे एट सेवन सिक्स। तो देखो हुआ कि नहीं, एन एट एट माइनस वन सेवन एट माइनस टू सिक्स, तो एन किसको डिनोट किया, तो मेरा आर भी आ गया, और जल्दी करो फिर से एक बार ध्यान दे दो, ईयर के सम्स हैं, अचानक ये दिया एनसीआर इज इक्वल टू 56 भी दे दिया और एन और आर का वैल्यू मांग रहा है, यहां पर परम्यूटेशन भी है कॉम्बिनेशन भी है, दोनों का रिलेशन हमारे पास था, हम लोगों ने वहां देखा था कि यहां पर एनपीआर एनसीआर फैक्टोरियल आर होता है, इसका मतलब ये दोनों सिक्स जो है फैक्टोरियल आर को डिनोट कर रहा है, तो फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स को हम लोगों ने तोड़ा, इसको मैं लिख सकता हूं सिक्स को थ्री फैक्टोरियल, फैक्टोरियल हट गया आर इज इक्वल टू थ्री। इसके बाद ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में इस टाइप के सम्स आप कर चुके हैं और उस तरह से इसका आंसर आ गया। क्या होगा एनपी थ्री को तो हम लोग आराम से तोड़ सकते हैं, एन अलग से इसको तोड़ के निकाल दो, ठीक है इसको भी तोड़ के निकाल दो, बिठा दो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप,
और अगर प्रॉपर वे से बनाना चाहते हैं तो ये एनपीआर हुआ कि नहीं, एन माइनस आर कोई दिक्कत है किसी को? जब अपने को एमसीक्यू करना है तो मैं इसे क्यों बनाऊं, है कि नहीं? हम पहले एन प्लस वन पी थ्री को तोड़ के दिखा देंगे जिसे भी दिखाए थे और फिर आराम से कर सकते थे। चलिए कोई हर्ज का बात नहीं, आगे बढ़ाइए। ये क्या हो गया, ऐसे ही रहेगा ये, क्या कहां तक जाएगा? एन यहां तक कॉपी करो। अभी ट्रिक को देखिए, ध्यान से देखना। ये जो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आप मेरे को बताइए, इसको हम तोड़ना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं? पहले हम लिखेंगे क्या, जैसे अभी आप तोड़ रहे थे n को, तो आप क्या लिख रहे थे? n कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? इसी को बेस लेके इसको तोड़ के बताइए क्या होगा। पहला क्या होगा, जैसे यहां n निकल गया था वैसे ये निकल गया। दूसरा क्या आएगा, अभी ओनली n आएगा, तो हम ओनली n तक ही लेकर जाएंगे, आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग फैक्टोरियल n लिख दिए। क्यों? यहां पर n है, n n कट जाएगा। अब अगर हम आपको बोलेंगे कि आप n माइनस टू को ब्रेक करके दिखाओ, कैसे ब्रेक करेंगे? पहले आप लिखेंगे n माइनस टू, जैसे यहां n लिखे थे, इसमें जैसे ही एक बढ़ेगा होगा कि नहीं, तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि हमारा यहां पर काम जो जरूरत है मिल गया। बातों को समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? इसका मतलब ये जो n प्लस वन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन फैक्टोरियल n, और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस टू ये देखो गया, n और n क्या बच गया, n प्लस वन n माइनस टू इजिकल टू टू, क्रॉस कर दो अभी आ जाएगा आंसर। देखो ये सारे जो सम्स हैं ईयर के उसके ऊपर प्रैक्टिस चाहता है, वैल्यू निकालना, एनपी वन एनपी टू एनपी थ्री निकालना, सारे कुछ आसान है, ये भी काफी आसान है। बट हम लोगों ने क्या किया, इधर से इसको हटाना है तो इसको हम लोगों ने ब्रेक किया, ब्रेक करके एन प्लस वन फैक्टोरियल एन लाए, फैक्टोरियल एन कैंसिल हो गया, सिर्फ यहां पर ये बच गया। इसको हम लोग लेकर गए, आ गया ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा इधर में n प्लस वन एन माइनस टू, कोई फैक्टोरियल नहीं, और इधर में सिर्फ टू बच गया। क्रॉस किए n प्लस वन इजिकल टू, यहां पर चीजों को देखिए, n प्लस वन इजिकल टू टू इंटू किए टू एन माइनस फोर। अब एक तरफ ले आइए इनको, यहां पर आप देख रहे हैं वन है, उधर से फोर को ले आए, इधर में टू एन है, इधर चला गया एन, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, फाइव। अब वहां एबीसीडी रहेगा, उसमें से आपको खोजना है, देखना है, समझना है। उम्मीद है आज जितने भी सम्स मैंने आपको करवाए सब शॉर्ट क्वेश्चंस था, एमसीक्यू, बड़े क्वेश्चंस भी एमसीक्यू में आते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का रिलेशन एंड लॉन्ग सम्स, यानी एक क्लास और लगेंगे तब जाके परम्यूटेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है।